वेलकम टू माय चैनल सशी सर की क्लास। आज हम आपको पूरे 50 ऐसे सेंटेंस बताने वाले हैं जो डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको इस्तेमाल कर आप अपनी इंग्लिश को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हमने अपना ग्रुप सशी सर की क्लास से नाम से बनाया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, वो ग्रुप को ज्वाइन करना है। अगर कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला सेंटेंस है, वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज डिस्टेंट रिलेटिव। रिश्तेदार को रिलेटिव कहते हैं। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी, विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। मेरी माता जी को खाना बनाना है, माई मदर हैज टू कुक द फूड। मैं कल आपको फोन करूंगा, आई विल कॉल यू टूमोरो। इस बात को अपने तक ही रखना, कीप इट अप टू योर सेल्फ। मुझे कपड़े धोने हैं, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। आपका भाई कहाँ काम करता है, वेयर डज योर ब्रदर वर्क। आपने ये पुस्तक कहाँ से ली, वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम। ठीक है, ये का मतलब यह से है, ठीक है, और यह के लिए दिस लिखते हैं, ठीक है। क्या झगड़ा है, व्हाट्स द कॉन्फ्लिक्ट या फिर व्हाट्स द डिस्प्यूट। मतलब कि झगड़ा के लिए आप डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट दोनों यूज कर सकते हैं। वो अभी अभी गया है, ही हैज जस्ट गॉन या लेफ्ट। ही हैज जस्ट गॉन या ही हैज जस्ट लेफ्ट, दोनों में इसको आप लिख सकते हैं। राम के दो भाई हैं, राम हैज टू ब्रदर्स। शांत रहिए, बी क्वाइट। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, व्हाट इज योर फादर। ठीक है, आपके पिताजी क्या करते हैं, इसके लिए सिर्फ आप व्हाट इज योर फादर कहेंगे। मोहन आजकल क्या कर रहा है, व्हाट इज चेंज हो गया, यहां मैंने मोहन लिखा तो यहां मोहन कर देते हैं। व्हाट इज मोहन डूइंग दिस डेज। क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई। तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है, व्हाट हैव यू प्लान फॉर योर करियर। इसमें खास बात क्या है, व्हाट्स सो स्पेशल इन इट, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट्स सो रिमार्केबल इन इट। यह कलम पुरानी है, दिस पेन इज ओल्ड। डांस किसने किया, हु डांस्ड। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इट्स अ नाइन डेज वंडर। आप तो बिल्कुल भोले हो, यू आर सो इनोसेंट। आपको किससे मिलना है, हु डू यू वॉन्ट टू मीट। मुझसे कौन मिलना चाहता है, हु वॉन्ट्स टू मीट मी। वो बड़ा पत्थर दिल है, ही इज हार्ड हार्टेड पर्सन। मामला बिगड़ गया है, द मैटर हैज बिकम सीरियस। तुम दफ्तर कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू ऑफिस। आपकी तबीयत अब कैसी है, हाउ आर यू नाउ। यह काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, डूइंग दिस वर्क इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। पटना का मौसम कैसा है, हाउ इज द वेदर इन पटना। मैंने यह बात नहीं कही, आई डिड नॉट मेक दिस रिमार्क। कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता, नो बॉडी कैन बियर सच एन इंसल्ट। वो सोया हुआ था, ही वॉज अस्लिप। करीब 500 किलोमीटर, अबाउट 500 किलोमीटर्स। तुम्हें वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर। मैं आपसे बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं नहीं मानता, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, आई डोंट अग्री या आई डोंट बिलीव। आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल टूडे। जरा मैं तैयार हो लूं, लेट मी गेट रेडी। घबराने की बात नहीं है, दो तरीके से बनेगा, नॉट टू वरी या फिर नथिंग टू वरी अबाउट। हमें खाना बनाना पड़ा था, यू हमें सॉरी हमें है तो यहां पर भी होगा, वी हैड टू कुक द फूड। मैं भी साथ चलो, मे आई अकंपनी यू। हालांकि मैं सोच रहा था, दो आई वॉज थिंकिंग, इससे बेहतर
कुछ हो ही नहीं सकता, नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। क्या वह अंदर है? इज ही इन? कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती, फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। मेरा काम करोगे? वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज? आखिर चल क्या रहा है? वॉट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? वो तुम्हारे जैसी दिखती है, सी लुक्स लाइक यू। तो इस तरह से मैंने पूरे 50 सेंटेंसेस ऐसे बताए जो आपके डेली लाइफ में यूज होते ही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैंने आपको जैसे बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है मैंने फेसबुक ग्रुप का, उसको ज्वाइन कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है शेयर कीजिए। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।